ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे इतिहास गवाह है कि नेपोलियन को मरे हुए जमाना हो गया। इतिहास पे मत जाइए प्रिंसेस, ये राज बहुत कम लोग जानते हैं कि हिज हाइनेस नेपोलियन ने एक ऐसी अमृत की बूटी खाई थी जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। उन्हें इंतजार था अपनी बेटी का, और अब इतना ढूंढने के बाद उन्हें आज पता चल गया है कि उनकी बेटी एमिली इस जन्म में चंद्रमुखी चौटाला है, फ्रेडरिक फ्रांस में है। मारी तो यो समझ में ना आ रहा कि ऐसी पगलेट पंत की बात है, तुम क्यों कर रहे हो यार हमारे से? यू आर वेस्टिंग माय टाइम प्रिंसेस। उससे पहले आप ये वादा करो कि ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी से कुछ ना कहूंगी। ओ बिल्लू भैया, भैया मैंने आपका स्कूटर और जीजू की पुरानी सड़ी हुई कार दोनों बेच दी। वाह बिल्लू वाह यार, यू आर ग्रेट यार, तू बहुत अच्छा है यार, भगवान तेरे को तरक्की दे यार। अगर तू ना होता तो मेरा क्या हाल होता यार। प्लीज भैया प्लीज रोइए मत ना, फिर आपको देखता हूँ ना रोता हुआ, फिर मेरा भी रोना निकल जाएगा, फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। प्लीज रोइए मत ना भैया आप। ठीक है, चुप हो जाइए। तू मत रोना मेरा प्रा। फ्रांस जा रहे हैं भैया हम लोग, फ्रांस जाएंगे। अच्छा वहाँ छोले कुलचे मिलेंगे? क्या हुआ? अले अरे साई, मैं मंदड़मा खीजा लेकर आया तुम दोनों का टिकट और वीजा। आज रात का तुम दोनों का फ्लाइट है, वीजा वेजिटेरियन है। देख वेल ब्रो, थैंक यू वेरी मच। इस दा यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सब है सच? इस दा सच है भैया, सच है। ये रहे हमारे वीजा और टिकटे, हम लोग फ्रांस जा रहे हैं भैया, फ्रांस जा रहे हैं हम लोग, और वो भी मैडम से पहले वाली फ्लाइट से। बस मैडम को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। माखीजा जी केयर के बुधाई ना सुठो। अरे बाबा वो तुम दोनों का जो पैसे में से ये 2000 रुपए बचे थे ये लेने तो। वेल ब्रो कीप द चेंज इज द, अब फ्रांस तक का हमारी रेंज इज द कैरी ऑन। हेलो बाबा चलता हूँ। बिट्टू फ्रांस चलेंगे। आए व्हाट अ साइट, आंखें तर हो गई कि चौकी में घुसते ही चौकी के करण अर्जुन एकदम आलिंगन बद्ध हो रहे हैं। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब क्यों मैं जान सकती हूँ ये इस प्रेम का, इस खुशी का क्या रीजन हो रहा? नहीं मॉम, बस ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं छोटे भाई को गले लगाऊं। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है, आई लव हर। मैडम मैं कुछ बोलूं? बोल मैडम, आज रात को आप फ्रांस जाने वाली है ना? नहीं आज मैं ना जा रही। अच्छा मजाक कर लेती हैं मैडम आप। आना जरा इधर। तू यहाँ हमारा जीजा हो रहा है? मैं साली हो रही हूँ थारी कि दोनों पिचकारी लेके एक दूसरे के संग जो है होली में खेलेंगे और अटखेलियां करेंगे और कतई मजाक करेंगे। जाना रही हूँ मैं, कैंसिल हो गया हमारा जाना फ्रांस। बट व्हाई इज द, कहीं करना दूं मैं क्राई इज द। अबे मारे कहीं जाने ना जाने से तू क्यों करेगा क्राई?
क्या हमारी गैरहाजिरी में चौकी में कौन से गेंदे के फूल खिलाने के प्लान बनाए हैं बताओ, जो ना जाने की वजह से चेहरा कतई है छुआरे की तरह से सिकुड़ गया। नहीं 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 मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। वो तो मतलब कि ये कि भैया ये जानना चाह रहे थे कि आप अगर फ्रांस नहीं जा रही हैं तो फिर वो अपना नेपोलियन के दस्ताने के राज का पता कैसे चलेगा। हाँ, फिर कैसे पता चलेगा भी नेपोलियन जी आपके पापा जी थे या नहीं। अब कुएं में पड़े राज और जो है नेपोलियन जी और ये सब। मैंने डिसाइड कर लिया है कि इन सब चीजों के लिए हमारे पास ना टाइम है ना एनर्जी है। यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है जो निपटाना है। यो चैप्टर आज से क्लोज। और तुम भी सुन लो, इस चौकी में ईब जो है नेपोलियन या नेपोलियन के दस्ताने की कोई बात ना होगी। ओवर एंड आउट। काम पे लगो, फाइलें पूरी करो। भैया मैंने जीजू की पुरानी कार बेच दी जो उतनी भी पुरानी नहीं थी। मेरा स्कूटर तो नया था। सारे पैसों की हमने टिकटें ले ली हैं। तो अब खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, भाग के मखीजा के पास जा, टिकटें कैंसिल करवा और पैसे वापस लेके आ। ओ रिलैक्स 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 भैया रिलैक्स, मुझे ध्यान ही नहीं था कि वो माखीजा टिकटें रिफंडेबल है। भैया अभी मैं मैसेज कर दूंगा माखीजा को, थोड़ी देर में पैसे लेके आ जाएगा। यहाँ पैसे लेके आ जाएगा, सारे मिल जाएंगे, जाने की भी जरूरत नहीं है, यही आएगा। ओ बिल्लू रिलैक्स, हाँ आएगा। नहीं माना नहीं माना, अगली बार चले जाएंगे। अरे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, हमारे गले मिल जावे, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों खुश है बताए, इधर आ, पहले तो हम तुझे गोद में उठा लेते हैं। क्यों खुश है बताए, मिस चौटाला फ्रांस नहीं जा रही है बे। वाह सर वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर, मजा आ गया ना। लड्डू, ए लड्डू, हाँ ये क्या हो रहा है? अरे माँ क्या हो रहा है? इस बार उल्टा हुआ है। सच में आप है? लड्डू, अरे माँ इस वक्त आप क्या कर रही हैं चौकी में, बताया नहीं आने से पहले। मैं ना, वो मेरी सहेली है ना विमला, मैं उसके घर गई थी। वहां से निकली तो रास्ते में आम नजर आ गए, आम खरीद लिए मैंने, तुझे अच्छे लगते ना, सोचा देती हुई जाऊं। थैंक यू। टाक टिकड़ टाक तो पा, यू प्लीज पुट मी डाउन। के शॉर्ट शॉर्ट मिस चौटाला, शॉर्ट, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा ये एक बात बता, तूने इसे गोद में क्यों उठा रखा था? सॉरी सॉरी सॉरी, लड़कियों के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? सॉरी सॉरी। क्या सॉरी, यही सिखाया मैंने तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं, क्यों उठा रखा था उसे गोद में? अरे वो क्या करते हैं, वो मिस्टर डाला फ्रांस नहीं जा रही है ना, तो हम बस खुश हो गए इसलिए उठा लिया। Hearing. ये फ्रांस नहीं जा रही है तो इसमें खुशी की क्या बात है तेरे लिए? हाँ है ना खुशी की बात माम, अब समझती नहीं है, ये चौकी ना बहुत बहुत बोझ है इस चौकी में, इस चौकी का बोझ ना हम अकेले नहीं उठा सकते, तो मिस चौटाला रहती साथ में तो बोझ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हम खुश थे। हाँ? अच्छा इतनी बड़ी लड़की को अपने गोद में उठा सकता है, इतनी छोटी सी चौकी संभाली नहीं जाती। तेरे डैडी है ना इंस्पेक्टर चबूतरा पांडे, वो अपने जमाने में एक क्या 10-10 चौकी संभालते थे। हाँ अच्छा चंद्रमुखी ये ले, मैं आम आई थी इसके लिए, ले ना पकड़, इसे काट के खिला देना, इसे आम बहुत अच्छे लगते हैं। अरे सुन ना ये प्लेट, चक्कू भी है,
चल। अच्छा मैं चलूं? खिला देना। जी जी जी। अरे रुक रुकी आंटी, वो अकेले कैसे जाएंगी? सनी। यस मैडम। आंटी को छोड़ के आ, चल। वो छोड़ के आएगा। आइए मैडम। How embarrassing! तुमने छोड़ा ला मैम। Sorry. चलो भैया, जो हुआ उसे एक हादसा समझ के भूल जाते हैं। चुप कर जा, चुप कर जा। ओ बिल्लू। तेरा का गया स्कूटर तो मेरा बिका है ना, जो मेरी जान थी जिसे तूने बेच दिया। आपसे पूछ के ही बेचा था भैया मैंने स्कूटर। और अगर आप मैडम नहीं जा रही है फ्रांस तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तेरा है। तूने ऐसी टिकटें क्यों बुक करवाई जिसका कोई फ्रेंड नहीं मिलता? रिफंड। या दिस वन। भैया आपका स्कूटर और मेरे जीजू की कार बेच के जितने पैसे आए थे ना, उतने पैसे में जो टिकट मिल सकती थी वो माखीजा ने लेके दे दी। अब मुझे क्या पता था कि वो नॉन रिफंडेबल टिकट है। ऊपर से 2000 रुपए बचे थे, लेकिन आपने दानवीर कर्ण बन के माखीजा को टिप दे दी। हाँ, मन लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? मुझे तो मेन टेंशन इस बात की हो रही है कि जब मेरे जीजू को मालूम पड़ेगा कि मैंने उनकी कार बेच दी है तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। वाह यार, हैं, जबरदस्ती है तो। ये बिल्कुल इंसानों की शक्ल वाला गधा है यार ये। ये बोलता भी होगा ये तो? फिर इसको मैं खरीदूंगा यार, ये मेरा हुआ, ये गधा मेरा है। ओ गधे, तेरा नया मालिक मैं हूँ, अब सुन ले। मस्त गधा है तू, मस्त। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे गधा कहा था। सॉरी भैया, मुझे लगा कि फिर मैंने पता नहीं बेइज्जती ना कर दियो। वेल ओ बिल्लू, हेलो। हेलो प्रिंसेस निकोला कोजा। प्रिंसेस, हिज हाइनेस नेपोलियन का ऑर्डर आ गया है, अब वो अपने बेटे यानी एमिली से मिलना चाहते हैं। मैं भी पापा नेपोलियन से मिलने के लिए कतई उतावली हूँ। प्रिंसेस, इस वक्त 11 बज रहे हैं, ठीक 2 बजे मैं आपके पुलिस स्टेशन के बाहर आऊंगा, आप वहां मेरा इंतजार कीजिएगा और वहां से मैं आपको आपके पापा यानी हिज हाइनेस किंग नेपोलियन से मिलवाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं ठीक 2 बजे अपनी गाड़ी में मिलूंगी। बोझ गुड प्रिंसेस, गुड। ये आपने बहुत अच्छा किया जो अपना ये गोल्डन ग्लव्स पहन के आप इधर आ गई हैं। चलिए अब मैं आपको आपके डैडी आने गए हिज हाइनेस किंग नेपोलियन से मिला के लाता हूँ। फ्रेडरिक फ्रांस में है, पर प्रिंसेस आपने किसी को बताया तो नहीं हिज हाइनेस नेपोलियन जिंदा है? जी नहीं, ना तो मैंने किसी को यह बताया है कि नेपोलियन जिंदा है, और ना ही किसी को यह बताया है कि फ्रेडरिक फ्रांस में। गुड जॉक। हाय। चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए, लेट्स गो, वी गेटिंग लेट। फ्रेडरिक फ्रांस में है। आइए प्रिंसेस, आइए, संभल के।
प्रिंसेस ओए आपके डैडी हिज हाइनेस किंग नेपोलियन His Highness, देखो कौन आया है आपसे मिलने आपकी बेटी योर डॉटर प्रिंसेस एमिली आपसे मिलने आई Bonjour, my fille. Hello, my daughter. Come. Venez, s'il vous plaît. Comment êtes-vous, my fille? How are you, my daughter? Daddy. डैडी हमारे पास आइए डैडी 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 ये गोलमू का घटिया आदमी यो नेपोलियन से हा? अरे नेपोलियन से भी मिला देंगे पहले हमारे साथियों से तो मिल ले काहे मिला था दा? रुक मैं बुलाता हूँ ए आजा अकबर अकेला है चल हट मिशेल ने बता रहे थे ना इतिहासकार क्यों चौंक गई अरे हाँ मैं इतिहासकार हूँ लेकिन आदमी इन लोगों का हूँ इन लोगों ने कहा था वो नेपोलियन के दस्ताने की झूठी कहानी वो मैंने आपको सुना दी और वो नेपोलियन वो फ्रांस फ्रांस के म्यूजियम का जो नंबर था वो भी हमारे एक बंदे का ही था क्योंकि अकबर अकेला है वाह अच्छा नाइस और मैं यो जानने के लिए थोड़ी एक्साइटेड हूँ कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया जी तुझसे बदला लेने के लिए हमने तुझे फंसा के यहाँ ले आया हमें पता था तुझे ऐसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है इसीलिए हमने नेपोलियन की बेटी के ग्लव्स का खेल खेला चंद्रमुखी और तुम हमारे इस जाल में फंस गई अब तुम यहां से जिंदा बच कर नहीं जाओगी चंद्रमुखी फ्रेडरिक फ्रांस में हाय तूने मेरे भाई पाशा को सजा दिलाई थी ना हाँ अब देख अब मैंने तुझसे बदला ले लिया लवली वेरी नाइस मतलब मैं प्लीज्ड हूं कि मतलब इतना बढ़िया तुम लोगों का स्क्रीन प्ले चल रहा है यहाँ पे एक मतलब एक कहानी ऐसी रहस्यमयी तुम लोगों ने गढ़ी इतनी मेहनत की फॉर मी मतलब भावुक हो गई हूँ मैं हमारे लिए इतनी मेहनत मतलब लिखा होगा कि क्या करें प्लान वगैरह नाइस नाइस बढ़िया अच्छा तुम लोगों को एक मिनट कहीं यो तो नहीं लग रहा है कि मैं मतलब एकदम बाप की बापता में एकदम खो के मैं आ गई थी तुम्हारी कहानी मैंने विश्वास कर लिया था यस 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 ऐसा लग रहा है ओ नो यार मतलब कम ऑन यार अभी तुम्हारे इन बातों में देखो पानी फिरेगा ना फिर अब नहीं नहीं ऐसा है नहीं मैं समझ गई थी पहले ही कि भाई ये जो ऐसी कहानी की नेपोलियन की बेटी और ये और वो तभी मैं समझ गई थी कि हो ना हो कोई तो मन ने फंसाने की कोशिश कर रहा है तभी वो कहा गया कि भाई किसी और से नहीं कहनी प्राइवेट सीक्रेट बात है तभी मन ने लग गया था कि वो चाल है मन ने फंसाने की मैं जानबूझ के तुम्हारे इस नाटक में साथ हो ली थी क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि भाई इस फालतू बाहियात फ्लॉप आइडिया के रचयिता कौन है तुम लोगों ने यो नाटक तो रच लिया पर यो भूल गए कि चंद्रमुखी कानून की उस बेटी का नाम है जिसके सर पे माता रानी का आशीर्वाद है रही बात यहां से बच के जाने की तो सर शूटर हैंड्स अप
हिलने की कोशिश नहीं करना बे, और भागने की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। अब तुम जाओगे जेल पाशा के साथ, और वहां हम तुम्हें मार मार के सबका झाग निकालेंगे। यू आर अंडर अरेस्ट एंड दैट्स हाउ इट्स डन। बुजोर।